In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum students. Hope you are doing well. Today we are going to start our lesson number 7 of class 4th subject social studies. Our topic is cultures. You will be able to explain the term culture with examples. Describe your family culture. Compare your own family culture with that of a family in another country. Do you know about culture? Culture is a way of living of people. कल्चर कहते हैं तहजीब व सकाफत, हमारे रहने सहने का तरीका. इच में इंक्लूड, जिसमें शामिल हैं फूड, हमारी खुराक जो हम खाते हैं, क्लॉथ्स कपड़े जो हम पहनते हैं, जैसे हमारा नेशनल ड्रेस क्या है, गुड शलवार कमीज, गेम्स जो खेलते हैं, जैसे डिफरेंट इंडोर और आउटडोर गेम्स खेली जाती हैं. कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान? यस, हॉकी. लैंग्वेज, ज़ुबान जो हम बोलते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? गुड, उर्दू. लेकिन पाकिस्तान के हर प्रोविंस की लैंग्वेज डिफरेंट है. जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, सिंध में सिंधी बोली जाती है, लेकिन हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है. एंड बिलीफ, बिलीफ कहते हैं यकीन को. जैसे हमारा पुख्ता यकीन अल्लाह ताला पर है, हम अल्लाह ताला को एक मानते हैं, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते. Do you have any idea about family culture? Family culture कहते हैं family में रहने सहने का तरीका. जैसे हर मुल्क के लोगों का अपना family culture होता है. जैसे हम पाकिस्तानी, हमारा family culture इंडिया में रहने वाले लोगों से different है. Now open your books. Page number 41, lesson number 7. Cultures. Read and share. O children of Adam, O Adam ki aulad, we have bestowed upon you clothing to conceal your private parts and as adornment. हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को भी छुपाता है और मौजब जीनत भी है. But the clothing of rightness, that is best, that is from the signs of Allah, that perhaps they will remember. और तकवा का लिबास ये उससे बढ़कर है, ये अल्लाह की निशानियों में से है, ताकि लोग नसीहत पकड़ें. सूरह अल एराफ. कल्चर, कल्चर इज़ अ वे ऑफ लिविंग ऑफ पीपल. कल्चर कहते हैं लोगों के ज़िंदगी गुजारने के तरीके. इट में इंक्लूड, जिसमें शामिल है फूड वी ईट, खुराक जो हम खाते हैं, क्लॉथ्स वी वेयर कपड़े जो हम पहनते हैं, लैंग्वेज वी स्पीक ज़ुबान जो हम बोलते हैं, गेम्स वी लाइक टू प्ले और खेलने जो हम खेलना पसंद करते हैं, एंड बिलीव्स वी हैव और यकीन जो हमारा है. आर वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैनी कलरफुल कल्चर्स. हमारी दुनिया बहुत से रंगीन कल्चर से बनी हुई है. फैमिली कल्चर, फैमिली कल्चर इज ट्रेडिशंस. क्या है ये वर्ड? ट्रेडिशंस, रवायात. फैमिली कल्चर रवायात हैं
और अ वे ऑफ लिविंग और ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं. इट इज़ डिफाइंड एज, इसे कहा जाता है, सम टोटल ऑफ एटीट्यूड्स, रवैयों का मजमुआ, आइडियाज़, ख्याल एंड इन्वायरमेंट और माहौल विच अ पर्सन इनहेरिट्स फ्रॉम हिज हर पेरेंट्स, जो किसी शख्स को अपने वालदैन से वरासत में मिलता है. इनहेरिट कहते हैं वरासत, कोई चीज़ अपने पेरेंट्स से बच्चों में आना. इन एवरी कंट्री, हर मुल्क में पीपल हैव देयर ओन फैमिली कल्चर, लोगों का अपना फैमिली कल्चर होता है. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया आर इस्लामिक कंट्रीज़. पाकिस्तान और सऊदी अरब मुस्लिम ममालिक हैं. द कल्चर ऑफ बोथ कंट्रीज इज बेस्ड ऑन इस्लाम, दोनों के कल्चर की बुनियाद इस्लाम पे है. बट दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग, लेकिन उनके ज़िंदगी गुजारने का तरीका मुख्तलिफ है. लेट्स हैव अ लुक ऑन पाकिस्तानी कल्चर एंड सऊदी कल्चर. क्लॉथिंग, सबसे पहले हम क्लॉथ्स की बात करेंगे. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से ड्रेसेस पहने जाते हैं? गुड, पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट ड्रेसेस पहने जाते हैं जो कि उनके कल्चर को शो करते हैं. लेकिन पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस शलवार कमीज है. इसके अलावा हम और भी ड्रेसेस पहनते हैं, लाइक ट्राउज़र शर्ट. इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ लोग सर पे कैप भी रखते हैं, जैसे कि सिंधी लोग सर पे सिंधी कैप रखते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है. अब हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया की. क्या आपने देखा हुआ है सऊदी लोग कैसा लिबास पहनते हैं? सऊदीया की औरतें एक लंबा चौगा पहनती हैं जिसे अबाया कहते हैं. सऊदीया में आदमी टखनों तक एक लंबी कमीज पहनते हैं जिसे थॉप कहते हैं, और एक चौगा जिसे बिश्त कहते हैं, और स्कल कैप मीन्स उनका हेड ड्रेस, उसको हम खुफिया कहते हैं. लेट्स मीट अयान, आए अयान से मिलें. अ पाकिस्तानी बॉय, एक पाकिस्तानी लड़का. एंड इब्राहिम, अ सऊदी बॉय, और इब्राहिम एक सऊदी लड़का. एंड फाइंड आउट व्हाट दे से अबाउट देयर कल्चर्स, और आए जानते हैं कि वो अपने कल्चर्स के बारे में क्या कहते हैं. क्लॉथिंग, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अयान, मेरा नाम अयान है. आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ. आई लाइक टू वेयर अ शलवार कमीज़, मैं शलवार कमीज़ पहनना पसंद करता हूँ. इट इज़ आर नेशनल ड्रेस, ये मेरा कौमी लिबास है. समटाइम्स, बाज़ औक़ात, आई वेयर ट्राउज़र्स एंड अ शर्ट टू, मैं ट्राउज़र शर्ट भी पहन लेता हूँ. माय फादर, मेरे अब्बू, मदर, अम्मी एंड सिस्टर्स और बहनें आल्सो वेयर अ शलवार कमीज़, वो भी शलवार कमीज़ पहनती हैं. माय मदर एंड सिस्टर, मेरी अम्मी और बहन वेयर अ दुपट्टा लेती हैं टू कवर देयर हेड्स, अपने सरों को ढांपने के लिए. माय फादर, मेरे अब्बू लाइक्स टू वेयर अ टर्बन टू कवर हिज हेड, टोपी रखते हैं अपने सर को ढांपने के लिए. टर्बन कहते हैं टोपी को. माय नेम इज़ इब्राहिम, मेरा नाम इब्राहिम है. आई एम फ्रॉम सऊदी अरेबिया, मैं सऊदी अरब से हूँ. लुक फ्रेंड्स, देखें दोस्तों, दिस इज़ माय ड्रेस, ये मेरा ड्रेस है. माई मदर एंड सिस्टर वेयर आ लॉन्ग क्लॉक दैट इज़ कॉल्ड एन अबाया, मेरी अम्मी और बहन एक लंबा चौगा पहनती हैं जिसे अबाया कहते हैं. माई डैड लाइक्स टू वेयर एन एंकल लॉन्ग शर्ट कॉल्ड आ थॉप, मेरे अबू
टखनों तक लंबी कमीज पहनते हैं जिसे थॉप कहते हैं। अ लॉन्ग क्लॉक एक लंबा चोगा कालढा बिश्त जिसे बिश्त कहते हैं। एंड अ हेड ड्रेस अ स्केल कैप कालढा खुफिया और सर का लिबास जिसे खुफिया कहते हैं। लेट्स कम टू फूड। इसके बाद अब हम बात करेंगे फूड की। पाकिस्तान में डिफरेंट डिशेस बनाई जाती हैं, जैसे हमारे घरों में भी डिफरेंट डिशेस बनती हैं। क्या आप उनमें से कुछ फेमस डिशेस के नेम मुझे बता सकते हैं? गुड, जैसे कढ़ाई, बिरयानी, कबाब, टिक्का, पराठा, रोटी। पराठा और रोटी हमारी ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा है। अब हम बात करते हैं सऊदी फूड की। क्या आप मुझे सऊदी फूड का बता सकते हैं कि सऊदीया में कैसी डिशेस बनती हैं? क्या आप कुछ सऊदी डिशेस के नेम मुझे बता सकते हैं? सऊदीया की ट्रेडिशनल डिशेस में मतलोटा, खाप्सा, मारगूक एंड मथाजीज हैं। सऊदी हॉस्पिटैलिटी, क्या आपको पता है कि सऊदीया में मेहमान नवाजी कैसे की जाती है? वहाँ पे मेहमानों को कहवा पेश किया जाता है जो कि एक रिवायती कॉफ़ी पॉट में पेश किया जाता है जिसे दहला कहते हैं। फूड, माय फैमिली एंड आई लाइक टू ईट स्पाइसी फूड। मैं और मेरी फैमिली तेज़ मिर्च मसाले वाले खाना पसंद करते हैं, सच एज़ बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, कबाब, टिक्का एक्सेट्रा। पराठा एंड रोटी आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आर मील्स। पराठा और रोटी हमारी ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा हैं। आई लाइक काप्सा दी मोस्ट। मुझे सबसे ज़्यादा काप्सा पसंद है। माई फैमिली लाइक्स ट्रेडिशनल डिशेज सच एज खाप्सा, मारगूक, मतलोठा, मताजीज एक्सेट्रा। मेरी फैमिली को रवायती खाने पसंद हैं जैसे कि काप्सा, मारगूक, मतलोठा, मताजीज। हिनिनी एंड फेरिक आर स्वीट डिशेज। हिनिनी एंड फेरिक स्वीट डिशेज हैं। वी लाइक टू हैव इन विंटर, जो हम सर्दियों में खाना पसंद करते हैं। अकॉर्डिंग टू माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जान के मुताबिक सर्विंग कहवा इन आर कंट्री इज़ अ साइन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कहवा पेश करना हमारे मुल्क में मेज़बानी की निशानी है। फॉर सेंचुरीज, सदियों से वी हैव बीन यूजिंग दहला। सदियों से हम दहला इस्तेमाल कर रहे हैं, आर ट्रेडिशनल अरब कॉफ़ी पॉट फॉर सर्विंग कहवा। एक रवायती अरब का कॉफ़ी पॉट जो कि कहवा पेश करने में इस्तेमाल होता है। लेट्स गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स दैट वी हैव लर्नड इन टूडेज क्लास। नाउ टेल मी, व्हाट इज़ कल्चर? गुड, कल्चर इज़ अ वे ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। व्हाट आर द नेशनल डिशेज ऑफ सऊदी अरेबिया? वेल डन, ट्रेडिशनल डिशेज आर खाप्सा, मारगूक, मतलोठा एंड मताजीज। व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? यस, नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ उर्दू। व्हाट इज़ द साइन ऑफ हॉस्पिटैलिटी इन सऊदी अरेबिया? यस, सर्विंग कहवा इज़ द साइन ऑफ हॉस्पिटैलिटी इन सऊदी अरेबिया। ओपन योर नोटबुक्स, राइट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज़ कल्चर? आंसर, कल्चर इज़ अ वे ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। कल्चर लोगों के ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। इट में इंक्लूड, जिसमें शामिल हैं फूड, क्लॉथ्स, लैंग्वेज, गेम्स एंड बिलीफ्स। होम असाइनमेंट, प्रैक्टिस ऑफ बुक रीडिंग, लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर वन
एंड पेस्ट पिक्चर्स ऑन योर नोटबुक्स रेलिवेंट टू द टॉपिक. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.